हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फसल मीनिया बेतंकर में। आज IBPS PO प्री के पहले दिन का एग्जाम कंप्लीट हो गया है और काफी सारे कैंडिडेट आज एग्जाम दे चुके हैं। और अगर अभी से आप देखोगे तो मेंस एग्जाम के लिए पूरे 1 महीने 10 दिन का समय है। अभी से आपको लगेगा कि मेंस के लिए काफी समय है, लेकिन जब IBPS PO प्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको लगेगा कि IBPS ने मेंस एग्जाम के लिए बहुत कम समय दिया है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद IBPS मेंस एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा 10, 12 या 15 दिन का समय देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप RRB PO प्री, RRB क्लब प्री और IBPS क्लब प्री के रिजल्ट में देख चुके हैं। तो जिनका टारगेट सिर्फ एग्जाम देना था तब तो आप रिजल्ट का इंतजार करके रिजल्ट के बाद मेंस की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जिनका टारगेट सिलेक्शन है तो अभी से आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। तो जिनका आज IBPS PO प्री हो गया है, तो जो मेंस एग्जाम के लिए आपको 1 महीने से ज्यादा का समय मिला है उसका फायदा उठाइए, मेंस की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस का एक ही भंडार है, गाइडली का बंडल PDF कोर्स। तो जिनके पास गाइडली का बंडल PDF कोर्स है, मेंस की खूब प्रैक्टिस कीजिए। जिनके पास नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, कोड PM10 लगाइए, एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। गाइडली का बंडल PDF कोर्स लेकर अपनी 1-2 दिन से जो मेंस की प्रैक्टिस है वो शुरू कर दीजिए। अब आज IBPS PO प्री के पहले दिन के पेपर की बात करें, तो एग्जाम के पहले उम्मीद भी थी कि IBPS PO का एग्जाम है, आसान तो रहेगा नहीं, और वैसे ही पेपर आज देखने को मिला है। तीनों सब्जेक्ट को देखा जाए तो शिफ्ट वाइज तीनों सब्जेक्ट ने सरप्राइज किया है, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं लगा जो बिल्कुल आसान है। लेकिन 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी थी, क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा रहा है, उनका क्वांट और रीजनिंग में बेहतर अटेम्प्ट देखने को मिला है, और बहुत सारे कैंडिडेट का फोकस था एक्यूरेसी पर, तो उन्होंने इंग्लिश में बहुत ज्यादा हाई अटेम्प्ट नहीं बनाए हैं, जो कि काफी बेहतर है। और अगर शिफ्ट वाइज देखा जाए तो हर शिफ्ट में हर रेंज के अटेम्प्ट भी देखने को मिले हैं, 60+ में भी, 70+ में भी और 50+ में भी, लेकिन बात वही है एक्यूरेसी। तो एक ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें तो जिनके 55+ अटेम्प्ट हैं और एक्यूरेसी शानदार है, तो ज्यादा सोचना नहीं है, बिल्कुल मेंस की तैयारी में आप लग जाइए। तो जिनका भी आज IBPS PO प्री हो गया है, कमेंट में आप जरूर मेंशन करें आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था, टोटल अटेम्प्ट कितने हुए और सब्जेक्ट वाइज आपके क्या क्या अटेम्प्ट हुए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।